हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए तो आज शुरुआत कर रहे थे हम अपनी सेकंड प्रैक्टिस क्लास की। पहली प्रैक्टिस क्लास जैसे कि मैंने आपको बताई थी, मैं मुगल वंश पर लेकर आया था। तो जैसे मुगल वंश की हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन क्वेश्चंस को एकदम चुटकी बजाते ही अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हर एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में या फिर प्री में। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ उनकी क्लास मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी अभिमन्यु सीरीज के अंदर। तो जाकर सबसे पहले आप मुगल की तीनों वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं चौथी वीडियो लेकर आऊंगा आपकी औरंगजेब के बाद। तो औरंगजेब तक मैंने कहानी निपटा रखी है, वहां तक के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आज आपकी क्लास में आपको लगवा रहा हूं। कल से हम लोग औरंगजेब से आगे की कहानी शुरू करेंगे मुगल साम्राज्य की। तो देखिए भाई, मैं पूरी सीरीज के साथ चीजें आपकी लेकर आ रहा हूं, क्योंकि भाई मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको पूरा हिस्ट्री का और अर्थशास्त्र का पूरा कंटेंट आपको लाके दूंगा। और देख लीजिए आप, जो क्वेश्चंस मेंस में और प्री में आपके पूछे जा रहे हैं, जो मैं आपको लगवा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मेरी वीडियोस से मिल जाएगा। तो सबसे पहले वीडियोस को जरूर देखें, उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे ये सारे क्वेश्चंस। और आपके आंसर मुझसे पहले आप मेरे आंसर्स बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर ये और इसका आंसर वो होने वाला है। तो वीडियो को सबसे पहले जाकर जरूर देखें, और साथ ही साथ में आप ज्योग्राफी की भी आपकी क्लासेज आना स्टार्ट हो गई हैं तो उन वीडियोज को भी लगातार देखते रहिए। और कपिल सर हमारे, जैसे कि आपने देखा ही होगा, हिंदी की लगातार वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो चैनल के साथ आप बने रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए। तो मैं प्रियम सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल NPC गुरुकुल पर। तो भाई बने रहिए देखिए चैनल के साथ, और नई नई इंफॉर्मेटिव चीजें आप लोग समझते रहिए। तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं, किस पर बात कर रहे हैं, आज हम अपना प्रैक्टिस सेशन दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है, जो कि किस पे होने वाला है, जो कि मुगल पे होने वाला है। किस पर? मुगल वंश पर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मुगलों के अपने दूसरे प्रैक्टिस सेशन की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अकबर का शासन जाना जाता है, ठीक है, अकबर का शासन जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं अकबर का शासन कब से शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था, तो 1556 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 1556 से शुरू हुआ था। ये बात आपको पता होना जरूरी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर का जो शासन है वो कब से शुरू हुआ है। अगर ये बात आ जाए आपसे कि ठीक है कि भैया खत्म कब हुआ, कि भाई खत्म कब हुआ है, तो खत्म कब हुआ है आपका 1605 पर जाकर खत्म हुआ है। कब खत्म हुआ है? 1605 पर जाकर इसका शासन आपका समाप्त हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इन तीनों, इन चारों में से कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। तो चलिए सबसे पहले वाले पे निगाह डालते हैं, क्षेत्रों को जीतने के लिए। बिल्कुल सही बात है भैया, युद्ध यहाँ पे अच्छे खासे हुए हैं, काफी सारा साम्राज्य इसने अपना बढ़ाया था, मुगल साम्राज्य अच्छा खासा इसने स्थापित किया है अपना। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल सही बात है, काफी तरीके के कर को इसने हटाया है, आगे चलकर क्वेश्चंस में आपको पता मिलेगा, जैसे इबादत खाना बनवाया, ठीक है, और आपके साथ ही साथ में निर्माण कराया है आपके, जैसे जो आपके साम्राज्य है, साम्राज्य की बाउंड्री को स्थापित करके काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस करे हैं, प्रशासनिक विभाग में काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं इसने अकबर ने। साथ ही साथ में तीन राजकुमारी, आपकी मतलब हिंदू राजकुमारियों के साथ इसका विवाह हुआ है, जिससे इसने राजपूतों के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। तो अकबर का इन सब चीज़ों के साथ बड़ा अच्छा लेना देना हो जाता है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही बात मुझे लग रही है यहाँ पर। न्यायिक प्रशासन के लिए भैया सही बात है, जैसे मैंने आपसे कहा न्यायिक प्रशासन के लिए भैया पूरी तरीके से, ऐसे दीन इलाही की मैंने आपसे कहा था स्थापना हुई थी, तो ये दीन इलाही जो था वो आपके मुगल साम्राज्य में ही इसकी स्थापना हुई थी, जहां पर लोगों की पुकार को सुना जाता था और उसके लिए उसका उपचार किया जाता था, उसका पूरी तरीके से निवारण किया जाता था उसके दुख का। तो ये जो चीजें यहां पर हो रही हैं, वहां पर बात पूछा जा रहा है कि न्यायिक प्रशासन के लिए, तो अकबर हाँ जाने जाते थे इसके लिए, क्योंकि काफी अच्छे फैसले जो थे, क्योंकि इनके में जो 9 जेम्स 9 रत्न थे उसमें एक बीरबल ऐसा व्यक्ति था जो इनको आपका न्यायिक आपकी क्या देता था, सलाह दिया करता था,
ठीक है, तो उससे अकबर को काफी ज्यादा आपकी इंप्रूवमेंट होते थे, काफी ज्यादा मदद मिलती थी उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। नहीं, ये मैं थोड़ा कठिन नहीं बोलूंगा, इसके साथ मैं सहमत नहीं हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये बोला है धार्मिक कट्टरता। कट्टरता जो है भैया, अगर मैं आपको बताऊं तो अकबर क्या है, अकबर क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि कल की क्लास में कि जो अकबर, अकबर के जो दादा थे, मतलब आपके बाबर, बाबर की अगर मैं बात करूं तो पिता की तरफ से वो तैमूर वंश से और माता की तरफ से चंगेज खां के वंश के थे, जिनको हम लोग क्या कहते थे, चतुराई आपके तुर्क कहते थे। अब ये जो तुर्क थे, तो जाहिर सी बात है भाई, ये देखो मुस्लिम शासन के लोग थे, ये मुगल थे, ये मुसलमान थे, तो भाई बात हो रही है यहाँ पे कि वो धार्मिक कट्टरता निभाते थे, ऐसा नहीं है भाई। तीन हिंदू राजकुमारियों के साथ अकबर ने विवाह किया है, क्यों किया है, क्योंकि राजपूतों के साथ संबंध अच्छा करना चाहता, और साथ ही साथ में इन्होंने जब हरकाबाई के साथ विवाह किया था उसके बाद एक सिक्का भी यहाँ पर इन्होंने चलाया था, जिसके एक तरफ जिसमें आपके मुसलमान का अंक यहाँ पे संकेत था और दूसरी तरफ यहाँ पर हिंदुओं का एक संकेतिक चित्र था, तो आप नहीं कह सकते कि भैया वो पूरी तरीके से मुसलमान कट्टरवादी इंसान था, ऐसा नहीं था। तो वो धर्म को, दोनों तरीके के रिलीजन्स को आप क्या करता था, मोटिवेट करता था, ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर कि वो अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर था। तो यहां पर ये वाली बात जो है वो थोड़ी गलत साबित हो जाती है। तो 1, 2 और 3, ये तीन आपके स्टार्टिंग के क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो मैं यहां पे बता देता हूं, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल यहां पर ठीक आपका आंसर है, 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 अकबर के द्वारा ये तीनों के तीनों बिल्कुल कैसे हैं, बिल्कुल सही यहां पर उत्तर हो जाएंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला पूछ रहा है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना को सेनापति कौन था। अच्छा, मतलब राजपूत सेना का सेनापति का बात पूछ रहा है, किसके अलावा, महाराणा प्रताप के अलावा। तो मैं आपको बता दूं, हल्दी घाटी का युद्ध से अगर क्वेश्चन आता है तो हल्दी घाटी का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध मुगल और राजपूतों के बीच में हुआ था, किस किसके बीच में हुआ था, मुगल और राजपूतों के बीच में हुआ था, जिसमें राजपूत की ओर से, जिसमें पेन बदल देता हूं आपको समझ में आ जाएगा, राजपूत की ओर से आपके महाराणा प्रताप, राजपूत की ओर से आपके महाराणा प्रताप थे, ठीक है, और मुगलों की तरफ से अकबर नहीं लड़ा था, मानसिंह लड़ा था। मैं आपको ये बात बता दूं, अकबर नहीं लड़ा था, मानसिंह लड़ा था, कौन लड़ा था, मानसिंह, ये आपके हरकाबाई के भाई का बेटा था। तो बता दूं, महाराणा प्रताप और मानसिंह दोनों ही आपके राजपूत हैं और ये दोनों आपके चचा भतीजे हैं, ठीक है, इनके बीच में हुआ था। मतलब जो अकबर और जो महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध का जिक्र होता है, जिसको हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं, और ये युद्ध आपका 1576 में हुआ था। कब हुआ था जी, 1576 में हुआ था। तो 1576 में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दूं उसमें अकबर नहीं लड़ा था, अकबर की तरफ से किसी ने यहां पर पेशकश रखी थी, और वो कौन थे, वो थे आपके मानसिंह। मानसिंह ने अकबर की तरफ से मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध किया था, किसके खिलाफ, महाराणा प्रताप। तो अभी यहां पे कह रहे हैं कि राजपूत जो सेना थी उसमें महाराणा प्रताप के अलावा कोई दूसरा जो था उनका सेनापति, उस सेनापति का नाम बताओ, क्या सेनापति का नाम था। क्वेश्चन RO AR O के प्री में और री एग्जाम जो कि 2016 में हुआ था पूछा गया है भैया, प्रीलियम्स के री एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता देता हूं कौन था, इब्राहिम गर्दी, आपके टार्डी बेग, महमूद लोदी और आपके हकीम सुर। तो भैया बी ऑप्शन आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, हकीम आपके खां सुर, आपके हकीम खां सुर, यही आपका वो व्यक्ति है जो व्यक्ति राजपूतों की ओर से आपका युद्ध लड़ा था, आपका युद्ध लड़ा था मुगलों के खिलाफ, हकीम खां सुर, ये आपके राजपूत सेना के क्या थे, आपके सेनापति थे। और मैं आपको इनके बारे में खास बात बताता हूं, ये बहुत बड़े तोपची थे, मतलब तोप चलाने में बहुत ज्यादा महारत हासिल थी इस व्यक्ति को, ये आपके राजपूत सेनापति थे, किसके, महाराणा प्रताप के साथ इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा है, ठीक है, हकीम खां सुर ने, ठीक है, किसके खिलाफ लड़ा है, तो मुगल सेना के खिलाफ लड़ा है, जिसका नेतृत्व मानसिंह ने किया था जो अकबर की तरफ से लड़े थे, ठीक है, और ये युद्ध हुआ कब है, 1576 में। तो ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको निकाल के भेज दिए,
क्वेश्चन पूछा जा सकता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, पहला प्रश्न, आंसर है 1576। दूसरा, किस किस के मध्य में हुआ है, तो मध्य मैंने आपको बता दिया मुगल और राजपूतों की में हुआ है। मुगल की तरफ से नेतृत्व आपके मानसिंह ने किया है जो अकबर की तरफ से लड़ा, और राजपूत की तरफ से महाराणा प्रताप थे। अगला पूछ लिया गया है इसी में कि भैया महाराणा प्रताप के अलावा सेनापति कौन था, तो सेनापति कौन था, हकीम खां सुर था। ठीक है, उससे अगला पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों की ओर से लड़ा था और जो बहुत बड़ा तोपची था, जो बहुत बड़ा क्या था, तोपची भी था, तो उसका नाम बताओ, तो उसका नाम भी क्या होगा, हकीम खान सुर ही उसका नाम होगा। तो समझ लेना एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बना डाले मैंने यहाँ पे। तो आपको भी ये सारे क्वेश्चंस लिखते हुए चलना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपसे कहीं ना कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था। चलिए भाई देख लीजिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, लेकिन बात वही है जो पिछले वाले में पूछी गई थी, और ये आर ओ ए आर ओ मेन्स में पूछी गई है। मतलब पहले री एग्जाम में पूछा, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के किस में पूछ लिया गया, मेंस में पूछ लिया गया। आंसर तो भैया वही होना है जो हम ही पढ़ के आए हैं, दैट इज ऑप्शन बी, हकीम खान सुर। पीछे में हकीम सुर पूछा था, यहाँ पे खान लगा दिया, बच्चा कहेगा अरे यार खान था क्या, भैया जी बिल्कुल खान था, हकीम सुर कह दो चाहे हकीम खान सुर कह दो, बात एक ही है। ठीक है, चाहे खान लगा लो चाहे खान लगा लो, इतिहास सबकी गवाही देता है। ठीक है, अगले बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था भैया अकबर की अगर कहानी आती है तो अकबर की तीन जो आपकी बेगम थी, ठीक है, तीन बेगम थी, वो कौन सी, वो राजपूत थी। ठीक है, मतलब अकबर ऐसा नहीं है कि तीन ही थी, अकबर की तो बहुत सी बीवियां थी, उन सब बीवियों में तीन बीवी ऐसी थी जो कैसी थी, जो राजपूत घराने से थी। किससे थी, जो राजपूत घराने थी। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे पहला जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया था अकबर ने, वो कहां से किया था। अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी, पांचवी क्लास अगर आपने मेरी देखी है, जिसमें जो मुगल की आपका पार्ट टू है, अगर आपने वो क्लास देखी है तो समझ लो ये क्वेश्चन तो आप चुटकी में बजा रहे होंगे, ये क्वेश्चन तो चुटकियों में करके दिखा रहे होंगे आप मेरे लिए। इसका आंसर है साफ साफ लिखा हुआ भाई उस वीडियो में, आप जाकर, आपसे रिक्वेस्ट, आप जाकर उन वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, क्योंकि तभी क्वेश्चन के आंसर झटपट निकल कर आएंगे, क्योंकि देखो ये प्री और मेंस के क्वेश्चन है, अब समझो ये वीडियो से डायरेक्ट निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो समझो इसका मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट वहां पर आपको मिल रहा है। ठीक है, आप उसको छोड़े ना, आप उस कंटेंट को लिखते हुए चले, उस कंटेंट को रिवाइज करते हुए चले, क्योंकि कहीं ना कहीं इस साल फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूं पूरी तरीके से, लेकिन हाँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात आपने सुनी होगी, और हम और आप मिलकर वही कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारी हार कभी नहीं होगी। ठीक है, इस बात में मैं बिल्कुल श्योर हूं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी हार कभी नहीं होने वाली। तो चलिए बता देते हैं कि सबसे पहला जो स्थापित किया था वो किसके साथ किया था, कछवाहा। कछवाहा के यहाँ पे एक आपके राजा थे, आपके राजपूत, आपके सूर्यवंशी थे। ठीक है, आपके सूर्यवंशी थे कछवाहा के, आपके यहाँ पे राजपूत सूर्यवंशी थे। इन राजपूत सूर्यवंशी की पुत्री के साथ, जिनके जहाँ के राजा जो थे वो कौन थे, राजा आपके बहारमल, कौन थे आपके राजा बहारमल, राजा बहारमल जो आपके कछवाहा के राजपूत सूर्यवंशी थे, इनकी पुत्री के साथ विवाह हुआ था अकबर का। ये सबसे पहली राजपूत आपकी वैवाहिक संबंध था अकबर का, जो कि कछवाहा के राजा बहारमल के साथ, उनकी पुत्री, मतलब राजा बहारमल की पुत्री के साथ अकबर का विवाह हुआ था। और ये जो वारदात है ये 1562 से पहले की है। कब से है, 1562 से पहले क्या विवाह है, ये जो विवाह हुआ है वो विवाह कब हुआ है, वो विवाह आपका 1565 से पहले हुआ है, सॉरी 62 से पहले हुआ है। तो 1562 से पहले विवाह हुआ था, सबसे पहला विवाह कछवाहा में आपका हुआ था 1562 में। जो अकबर का दूसरा विवाह हुआ है राजपूत राजकुमारी के साथ, वो आपका हरकाबाई के साथ हुआ था। कब हुआ था, 1562 में, और 1562 से पहले जो विवाह हुआ था वो कछवाहा की राजकुमारी के साथ हुआ था, जिनके पिता थे राजा बहारमल। ठीक है, चलिए आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए सबसे पहले पूछ रहा है जजिया की समाप्ति, क्या पूछ रहा है जजिया की समाप्ति। ठीक है तो मैं आपको बता दूं जजिया की समाप्ति, जजिया एक कर था जो हिंदुओं पर लगाया जाता था, सिर्फ जब वो अपनी तीर्थ यात्रा को पूर्ण करने जाया करते थे तब उन पर एक टैक्स लगाया जाता था जिसको जजिया कहा करता था, ये सिर्फ हिंदुओं पर लगता था मुसलमानों पर नहीं लगता था। ठीक है तो जजिया की समाप्ति कब की है इसने, 1564 में की है। ठीक है अकबर ने जजिया की समाप्ति कब की है, 1564 में की है। 1556 पे तो भैया वो आपके सिंहासन पे बैठ गया था मुगल साम्राज्य के, तो 1564 में जजिया की समाप्ति की। अगला आ गया इबादत खाना, इबादत खाना आपका 1575 में की है, इबादत खाने का निर्माण कब किया है, 1575 में किया है अकबर ने। ठीक है महजर पर हस्ताक्षर, महजर पर हस्ताक्षर आपके कब किए हैं, तो ये 1579 में किए हैं, कब किए हैं, 1500 आपके 79 में किए हैं। ठीक है ठीक, दीने इलाही की स्थापना ये 1582 में है, ये कब है, ये 1582 में है। तो दीने इलाही मैंने आपको बताया था कि दीने इलाही का जो था उसमें लोगों की पुकार सुनी जाती थी, सब मुगल साम्राज्य के समय हुई थी, अकबर ही उसमें ये चीजें सुनते थे, तो काफी अच्छा न्यायिक प्रशासन था आपके अकबर का। तो दीने इलाही की स्थापना 1582 में हुई है, महाजर का हस्ताक्षर 1579 में हुआ है, इबादत खाने का निर्माण 1575 है और जजिया की समाप्ति 1564 में है। अब मैंने ये आपको जो डिटेल बता दी इससे बड़ा आपका आसान हो गया है, बड़ा आसान तरीके से अब आप इसका चयन कर सकते हैं कि आपके उत्तर क्या सही होगा। ठीक है तो भैया ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको देखो इसका जो है वो मैंने आपको बताया कि भाई ये कब कब ऐसे हुए हैं। मजहर पे अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियो में मैंने मजहर को बताया था, मजहर का मतलब होता है घोषणा पत्र, मजहर का मतलब क्या होता है, मजहर का मतलब होता है बेटा घोषणा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों मजहर का मतलब क्या होता है, मजहर का मतलब घोषणा होता है। और लोगों की तरफ से एक संधि हुई थी, यहाँ पे एक संधि हुई थी जिस पर आपके अकबर ने हस्ताक्षर किए थे, तो उस पर मजहर के हस्ताक्षर के नाम से वो व्याख्यात हुआ था, मतलब घोषणा पत्र एक बनाया था। और ये घोषणा पत्र किसने बनाया था, शेख मुबारक ने बनाया था, किसने बनाया था, शेख मुबारक ने बनाया था। और शेख मुबारक मैं आपको बता दूं ये शेख मुबारक ने मजहर बनाया था, क्या बनाया था आपका, ये मजहर पत्र बनाकर दिया था, किसने आपके शेख मुबारक ने, इन्होंने आपका यहां पर मजहर सॉरी महजर पत्र यहां पर बनाकर दिया था, किसने, शेख मुबारक में, जिसमें कई सारे लोगों की जो गुजारिश थी वो और हस्ताक्षर जो थे वो उस पर करे हुए थे। और शेख मुबारक कोई और नहीं, ये आपके फैजी के, ये आपके फैजी के पिता थे, कौन थे, फैजी के पिता थे। और फैजी कौन था, तो ये आपके नौ रत्नों में से, ये आपके अकबर के नौ रत्नों में से एक थे। ठीक है ये आपके अकबर के नौ रत्नों में से एक रत्न थे फैजी। आप वीडियो में जाकर देखिएगा मैंने वहां पे नौ रत्नों का पूरा जिक्र किया है, पूरा वर्णन किया है कि नौ रत्न कौन थे और किसका क्या कार्य था, ये मैंने पूरा उस वीडियो के अंदर आपको लिख कर दिया है, आप जाकर वो क्लास जरूर देखें। आपका पार्ट टू, मुगल का पार्ट टू लेक्चर 5 की वीडियो पड़ी हुई होगी, एक बार जाकर उसको जरूर देख लें, क्योंकि नौ रत्नों में से प्रश्न बनता है और मैंने वहां पर सब कुछ ले रखा है कि आपका कौन किस चीज के लिए वहां पर आपका जिम्मेदार था अकबर के शासनकाल में। तो ये फैजी जो थे वो फैजी के पिता शेख मुबारक, इन शेख मुबारक ने ही मजहर मतलब घोषणा पत्र लिखा था और जिस पर आपके अकबर ने बाद में जाकर उस पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि वहां पर जाकर एक उसके बाद एक संधि हुई थी। ठीक है जिसका जिक्र मैंने उस वीडियो में किया है। तो देख लीजिए भैया सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले नंबर पे मैं बता दूं, सबसे पहले नंबर पे अंकित आपका कौन सा होगा, देख लेते हैं कार्यक्रम अनुसार ये भैया हमसे लगवा रहा है। तो सबसे पहले 1564 आएगा, ये पहले नंबर पे हो गया, फिर 1575 का वर्णन आएगा, फिर 1500 आपके 79 का आएगा और फिर 82 का आएगा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यहां से आपका ऑप्शन ए ये बिल्कुल सही क्रम में आपके लगे हुए हैं। ठीक है बिल्कुल सही क्रम में ये आपके लगे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा आपका यहां से क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है
अंबेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। तो मैं आपको बता दूं भैया, ये जो अंबेर की राजकुमारी के साथ जो बात यहां पर हो रही है, ठीक है, वो आपके जो कछवाहा, जो आपके कछवाहा के जो राजकुमार थे राजा भारमल, ठीक है, ये उनकी ही पुत्री की बात यहां पर की जा रही है, जो अंबेर के आपके राजा थे। कछवा वहां पर एक जगह थी, तो ये अंबेर के जो आपके राजकुमार थे, अंबेर की जो आपकी राजकुमारी थी, उनके विवाह के साथ बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो विवाह हुआ है वो 1562 से पहले का विवाह है। किसका पहले का विवाह है? 1562 से पहले का विवाह है, ठीक। दूसरा क्या बोला है? तुकारोई का युद्ध। दूसरा क्या बोल रहा है आपसे? तुकारोई का युद्ध बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए तुकारोई का युद्ध की बात कर लेते हैं यहां से। तो तुकारोई का युद्ध कब हुआ? 1575 में हुआ है। कब हुआ है? 1575 में। बोले अरे सर, आपने कुछ अभी और भी बताया था, 1575 में तो कुछ और भी हुआ था। जी हाँ, इबादत खाने का निर्माण हुआ था 1575 में अकबर के द्वारा। तो इबादत खाने का जो निर्माण किया वो भी अकबर ने किया, साथ ही साथ में तुकारोई का युद्ध भी कब हुआ? 1575 में हुआ है, ठीक है। मालवा पर मुगल आक्रमण कब हुआ? मालवा पर मुगल आक्रमण कब हुआ? इस वक्त में अकबर ही थे भाई यहां पर, ठीक है। मालवा पर मुगल आक्रमण इन लोगों ने कब किया? चलो भैया कब किया? तो 1560 में कर दिया। कब कर दिया? 1560 में कर दिया। 1560 पर मालवा पर मुगलों ने क्या कर दिया भैया? आक्रमण कर दिया। उसके बाद उड़ीसा पर कर रानी की विजय कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, ये जो उड़ीसा नाम की जगह है, इसको पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? कलिंग, ठीक है, कालिंग, कालिंग के नाम से इसको जाना जाता था, जिस पर अशोक, सम्राट अशोक, जो कि आपके मौर्य शासन के तीसरे आपके उत्तराधिकारी थे। पहले आपके जिनने स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जहां से मौर्य काल शुरू होता है आपका। उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार आए, और बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक आए। तो सम्राट अशोक वो इकलौता ऐसा व्यक्ति है जिसने कलिंग को जीता था, मतलब आज के टाइम में वो उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। आज के टाइम में उड़ीसा के नाम से आता है, उस समय कलिंग के नाम से जाना जाता था। ना तो बिंदुसार और ना ही चंद्रगुप्त मौर्य उस चीज को जीत पाए थे, लेकिन अशोक ने उसको जीत के दिखाया था। और ये अखंड भारत का यहां से प्रचार हुआ था, यहां से अखंड भारत की शुरुआत हुई थी। तो जो कलिंग था आपका, उस पर जो कराने की जो विजय हुई है, जिसमें अशोक लड़ा है, किसके विरुद्ध लड़ा है? कलिंग के राजा। और कलिंग के राजा आपके कौन थे? अनंत। आपके कलिंग के राजा कौन थे यहां पे? तो अनंत नाथन। कौन थे भैया? अनंत नाथन ही वो व्यक्ति था जो आपका कलिंग का राजा था। तो कलिंग का राजा कौन था? अनंत नाथन, जिससे अशोक का युद्ध हुआ था। किसका हुआ था? जिनसे अशोक का युद्ध हुआ था। तो अशोक और अनंत नाथन ने आपके कलिंग का युद्ध किया था, जिसमें अशोक की विजय हुई थी, और यही आपका उड़ीसा पर करानी की विजय के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका 261 ईसा पूर्व में घटना हो चुकी है, जो कि आपकी 261 ईसा पूर्व में घटना हो चुकी है। अब यहां से एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता देता हूं, और वो महत्वपूर्ण सूचना क्या है? वो ये है कि भारत में सबसे पहले जो शासन था वो आपके मौर्यों का था। किसका था? मौर्यों का शासन था, ठीक है। और मौर्यों के शासन के बाद भैया यहां पर मुगल आए हैं। कौन आए हैं? मुगल आए हैं। सबसे पहले यहां पर मौर्यों ने शासन किया, उसके बाद भैया मुगल आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मौर्य की जो यहां पर घटना है वो घटना चक्र सबसे पहले बनेगा, उसके बाद मुगलों की जो घटना है वो होंगी, ठीक है। देखो ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा भाई। देखो कैसे, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले भैया ये वाली जो कहानी है, ये वाली जो यहां पे कहानी है, वो आपकी मौर्य डायनेस्टी को शो करती है, मौर्य साम्राज्य को। तो मौर्य साम्राज्य कब हुआ है? 261 ईसा पूर्व में हुआ है। तो सबसे पहले चौथा, ठीक है, सबसे पहले क्या बनेगा? चौथा। उसके बाद भाई बात हुई है 62, 75 और 60।
इन तीनों ही समय में, इन तीनों ही समय में, इन तीनों समय की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस वक्त में आपके जो मुगल साम्राज्य को संभाल रहे थे, जो मुगल का कार्यकाल संभाल रहे थे, वो अकबर थे। वो कौन थे? वो अकबर संभाल रहे थे, क्योंकि 1556 से लेकर 1605 तक की कहानी दर्शाती है अकबर के शासनकाल को। तो ये सारी वारदात अकबर के समय की है, और ये वाली जो वारदात आ गई है वो मौर्य वंश के काल की है। तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद आपका तीसरा, उसके बाद क्या आएगा? तीसरा, तीसरे के बाद क्या आएगा? पहला, और पहले के बाद क्या आएगा? दूसरा। ये क्रम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये क्रम आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला क्रम आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या पूछ रहा है? एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण किया है। भैया मैं बता दूं आपके लिए, डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल में क्या किया है? मूल्यवान विवरण किया है, वो कौन है? फ्रांसिस्को पेलसार्ट। आपका यही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांसिस्को पेलसार्ट ही वो व्यक्ति है जो कि आपका क्या था? जो कि आपका डच पर्यटक था, ठीक है, जो डच से आया था, डच यात्री था, जिसने जहांगीर के शासनकाल का पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से विवरण किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में से? निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? किसका किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? चलिए पूछ लेता है। हुमायूं का, औरंगजेब का, जहांगीर का, आपका जहादार शाह का। किसका? जहादार शाह का। ये नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। कुछ लोग, ऐसा नहीं है मैं सबके लिए बोल रहा हूं, सबके लिए ही बात नहीं है, बहुत से भाई बहन इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए नाम थोड़ा नया सा होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपके जहांदार शाह, ये आपके औरंगजेब, ये आपके औरंगजेब का पोता है। ये जो व्यक्ति है ये कौन है? ये आपके औरंगजेब का पोता है। किसका पोता है? औरंगजेब का पोता है, जिसने आपके सन 1712 से लेकर 1713 तक शासन किया है। कब से कब तक? 1712 से लेकर 1713 तक जिसने शासन किया है, और ये आपका नौवा मुगल है, ये आपका नौवा मुगल शासक है, ठीक है। आपका जहांदार शाह, जो है वो औरंगजेब का पोता है, जिसने 1712 से लेकर 1713 तक आपका क्या किया है? शासन किया है, और ये आपका नौमा मुगल शासक है। क्या है ये? आपका नौमा मुगल शासक है। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले किसका मकबरा कहां पर स्थित है, उसके बाद इसके उत्तर की ओर बढ़ेंगे। हुमायूं की बात हो रही है तो मैं हुमायूं के लिए बता देता हूं। हुमायूं का मकबरे की बात आए तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। किसमें है? लाहौर में है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। जहांदार शाह का मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा दिल्ली में है। किसमें है इनका मकबरा? दिल्ली में है। औरंगजेब का कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। किसमें है? औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद, औरंगजेब ने ही एक नगर बसाया था जिसका नाम, अपने नाम पर औरंगाबाद रखा था, और यहीं पर इसका क्या है? मकबरा है। जिसने मेरी क्लास 5 और क्लास 7 नहीं देखी, मतलब जिसने मेरा लेक्चर 5 और 6 नहीं देखा है, जाकर अभी देख ले, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहीं से बने हुए हैं। कल मैं आपको मुगल में औरंगजेब के आगे पढ़ाऊंगा, और औरंगजेब से आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब वहां पे मैं इससे आगे के प्रश्न लेकर आऊंगा। सारे प्रश्न आपके मेंस प्री में पूछे गए हैं, और सारे ये मेरी वीडियो में ही आपको मैंने समझा रखे हैं। तो जाकर एक बार वीडियोज को जरूर वॉच कीजिए, वो जरूरी है, ठीक है। जहांगीर का कहां है? तो जहांगीर का आपका कहां है? दिल्ली में है, ठीक है। जहांगीर का आपका कहां है? जहांगीर का मकबरा आपका कहां है? दिल्ली में है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अरे नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ही गलती हो गया है। ये आपका जहांगीर का जो है वो लाहौर में है, जहांगीर का जो है वो लाहौर में है, हुमायूं का तो दिल्ली में है। ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है जी, माफ कीजिएगा भैया।
हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और जहांदरा का भी दिल्ली में है। क्यों? क्योंकि जो जहांदरा का मकबरा है, ठीक है, ये मकबरा हुमायूं के ही साथ बना हुआ है। किसके साथ बना हुआ है? हुमायूं के मकबरे के साथ ही बना हुआ है। मतलब हुमायूं टॉम जो दिल्ली में जो जगह है, हुमायूं टॉम नाम में आप सर्च कर सकते हैं, दिल्ली, आपके दिल्ली में उसका मकबरा बना हुआ है, उसी मकबरे में जहांदरा का भी मकबरा बना हुआ है। ठीक है, वहां पर जहांदरा का भी मकबरा बना हुआ है, जहांगीर का लाहौर में है, औरंगजेब का औरंगाबाद में है। थोड़ा माफ कीजिएगा जरा, ठीक है। बाकी और किसका? बाबर की बात आ जाए, बाबर की अगर बाबर की बात आ जाए तो बाबर की कहां है? काबुल। बाबर की कहां है भैया? काबुल। बाबर का कहां है मकबरा? बाबर का मकबरा काबुल में है। और किसकी बात आ जाए? अकबर, अकबर की बात आ जाए तो अकबर का कहां है? सिकंदरा में। कहां पर है? सिकंदरा। बाबर की बात आ जाए तो काबुल है, अकबर की बात आ जाए तो सिकंदरा है, औरंगजेब की बात आ जाए और औरंगाबाद है, जहांगीर की बात आ जाए लाहौर है, हुमायूं की बात आ जाए दिल्ली में है, और जहांदरा की बात है तो आपकी ये भी दिल्ली में है। देखो भाई, गलतियां इंसान से ही होती है, थोड़ा ऊपर नीचे वो हो गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा स्किप करते हुए जा रहे हैं चीज़ों को, चीज़ों को देखते हुए चलिए। बड़ी इंसान है भाई, मशीन थोड़ी है कि एक बार फीड हो गया तो सब कुछ फीड हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो सुधार भी तो अपने आप दिया ना। ठीक है, चलिए, तो यहां से सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है किसका मकबरा भारत से बाहर है। हुमायूं दिल्ली, दिल्ली आ गया, नहीं भैया, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते। लाहौर और औरंगाबाद ये भी भारत में, लेकिन लाहौर भारत के अंदर नहीं है, ये पाकिस्तान में चला गया। तो जहांगीर यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल सही है आपका, जहांगीर ये लाहौर में है, क्योंकि लाहौर इस टाइम पाकिस्तान में है, तो ये भारत में नहीं आता। ठीक है, आगे की बात कर रहे हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थित बाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? किसके? समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशासित बाले, ठीक है, प्रशासित बाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? किसका मिलता है? शाहजहां का, औरंगजेब का, जहांगीर का, दारा शिकोह का, किस किस का मिलता है? आपके जहांगीर का नहीं भैया, जहांगीर का कोई लेख नहीं है, औरंगजेब का भी कोई लेख नहीं है, दारा शिकोह का कोई लेख नहीं है, शाहजहां का लेख है, और यही लेख आपको कहां मिलता है? समुद्रगुप्त के आपके स्तंभ पर मिलता है, जो इसके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो आज ये कुछ क्वेश्चन थे जिन क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया है, जो कि आपके प्री और मेंस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और ये सारे क्वेश्चन मेरी वीडियो से कहीं ना कहीं से निकल कर आ रहे हैं, और आपको ये सारी लेक्चर्स देखने जरूरी हैं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ वो वीडियो के हिसाब से, उसके बाद एक महामैराथन, जैसे मैंने आपसे कहा था, पूरा महामैराथन लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, क्वेश्चंस का पूरा बंच, पूरा बंडल, जिसमें एक ही बार में पूरा इतिहास मैं आपका खत्म कर दूंगा, पूरा दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश एक ही बार में मैं आपके खत्म करूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार वीडियोज को वॉच करिए, शेयर करिए, अब बने रहिए NPC गुरुकुल के साथ। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।